इसराइल गाजा युद्ध के और फैलने के आसार नजर आ रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ इसराइल और गाजा तक ही नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है कि वो और आगे भी फैल सकता है। गाजा पर बमबारी के आज छठे दिन इसराइल के पड़ोसी देश सीरिया ने यह दावा किया है कि उसकी राजधानी डमास्कस यानी कि दमिश्क और उत्तर के शहर एलेपो, इन दोनों जगहों के हवाई अड्डों पर इसराइल ने रॉकेट हमले किए। सीरिया के मुताबिक हमले से एलेपो एयरपोर्ट पर नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं है। दमिश्क का जो एयरपोर्ट है उस पर भी हमले से क्या नुकसान हुआ है, इससे जुड़ी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। अभी तक इसराइल की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन हमले के बाद की तस्वीरें सामने आ रही। वैसे इसराइल कई साल से रह रहकर सीरिया में उन इलाकों पर हमले करता रहा है जो किसी न किसी तरह से ईरान से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन हमलों का मकसद सीरिया को ईरान की सप्लाई से कट करना है कि वो सहयोग ना कर दें और किसी तरीके से किसी भी किस्म का औजार या वेपन्स या और कोई चीज़ गाजा ना पहुंच जाए। सीरिया 2011 से गृह युद्ध की चपेट में है, और जब से ईरान ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन शुरू किया, सीरिया में तेहरान का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया। सीरिया के हवाई अड्डों पर यह हमला वहां ईरान के विदेश मंत्री के दौरे के कुछ ही मिनट पहले हुआ। हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री का विमान वापस तेहरान लौट गया। इससे कुछ घंटे पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से फोन पर बात कही और कहा कि अरब और मुस्लिम देश इसराइल के मुकाबले उसके जो मुकाबला करना है इसराइल के, उसके लिए एक दूसरे का साथ दे। वो साथ में आए सारे अरब देश। इस बीच गाजा पर इसराइल के हवाई हमले दिन रात अभी भी जारी हैं। इसराइल का दावा है कि वो हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन ये हमले गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों पर भी हो रहे हैं, जहां इसराइल को शक है कि हमास के लड़ाके छुपे हो सकते हैं। इसकी चपेट में आम लोग भी आ रहे हैं, वो खबर हमने आपको कल दिखाई थी। लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। गाजा पर इसराइल के हमलों से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए मैक्सार एक कंपनी है जो कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज मुहैया कराती है, उनकी कुछ सैटेलाइट इमेजेस एनडीटीवी के हाथ लगी। स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, ये तस्वीर 10 अक्टूबर के फुल फ्रेम जाते हैं इस पर। ये तस्वीर 10 अक्टूबर 2023 को गाजा के एक रिहायशी इलाके की है, जहां हवाई हमले में धमाका और धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। दूसरी इमेज है, ये दूसरी तस्वीर गाजा के एक रिहायशी इलाके में बमबारी से पहले और बाद की। पहली तस्वीर 10 मई की है, जिसमें दिख रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 10 अक्टूबर की तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ बमबारी से क्या हाल हो चुका है। कई इमारतें बमबारी से तबाह हो चुकी हैं। सभी इमारतों पर धमाकों के बाद मलबा और धूल, उसकी एक काली परत जम चुकी है। अब इस तीसरी तस्वीर में जो अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसमें आप गाजा के रमाल जिले का हाल देख सकते हैं। ये तस्वीर भी 10 अक्टूबर की। अब एक चौथी इमेज आपको दिखाते हैं। ये चौथी तस्वीर गाजा की अल गाबरी मस्जिद की। 10 मई की तस्वीर में मस्जिद साफ दिख रही है, जबकि 10 अक्टूबर की तस्वीर में बमबारी के बाद मस्जिद का नामो निशान मिट गया, नस्तनाबूत कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है उसको पूरी तरीके से। आसपास की कई इमारतों पर भी धूल की परत साफ दिखाई दे रही है, मोटी परत। ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, इस वजह से सब चीज बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है। ये अल गारबी मस्जिद है गाजा। अब एक पांचवी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर गाजा के वातन कम्युनिकेशन टावर की है, और वहां जो तबाही हुई है उसकी, बमबारी के बाद 10 अक्टूबर को इस टावर का नामो निशान मिटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, एक छठी तस्वीर दिखाते हैं। ये छठी तस्वीर गाजा के अल सौसी मस्जिद कॉम्प्लेक्स की। 10 मई की तस्वीर में इस मस्जिद परिसर में एक बड़ी इमारत दिख रही है, जो 10 अक्टूबर की तस्वीर में बमबारी के बाद मिट चुकी है।